अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, रोहतक्षी न्यूज सैटे पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पूर्व कथावाचक आसाराम को कोरोना हो गया है। उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। क्या है इस पर पूरा अपडेट आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की, जिनका कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह 7 बार सांसद रहे, 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता तो थे ही, खासतौर पर देश के बड़े जाट नेताओं में भी उनकी गिनती होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने अमेरिका से पढ़ाई की थी और उसके सीधे बाद यहां आकर किसानों के मुद्दे उठाने लगे और हर किसान के दिल में बसते थे चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह ने हर प्रदेश की मांग को लेकर कई आंदोलन किए। उनकी इच्छा थी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो एक अलग राज्य बने ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम और तेजी के साथ हो सके। उनका अपना एक विजन था और खास तौर पर उनके जाने से एक बड़ी राजनीतिक शून्यता तो पैदा हुई है, जो देश में जो जाट राजनीति है उसको भी एक झटका लगा है। चौधरी अजीत सिंह का पूरा परिचय आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने, बसपा मुखिया मायावती ने और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चौधरी अजीत सिंह के निधन पर शोक जताया है। उनके परिजनों ने क्या कहा है अपने जारी बयान में, ये भी आपको विस्तार से बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आसाराम। राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को बुधवार रात जेल से महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जेल में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के 3 दिन बाद अचानक तबियत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना वायरस के चलते ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने पर आसाराम को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। हालांकि हालत बिगड़ते देख अब आसाराम को एम्स जोधपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर की सेंट्रल जेल में पिछले महीने ही करीब 1 दर्जन कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सभी कोरोना पॉजिटिव कैदियों को जेल की डिस्पेंसरी में ही आइसोलेट किया गया था। इसी बीच अब अन्य कैदियों में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण देखने को मिले हैं। वहीं उम्रदराज आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल में कोरोना संक्रमण की आशंका और बढ़ गई है। इससे पहले इसी साल फरवरी महीने में आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। हम आपको बता दें कि आसाराम एक नाबालिग से रेप के दोष में जोधपुर जेल में सजा काट रहा है। कोर्ट के मुताबिक आसाराम ने 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के पास मनई इलाके में एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। कोर्ट ने आसाराम को आईपीसी की धारा 370-4 तस्करी, धारा 342, धारा 354A, धारा 376, धारा 506, धारा 120B और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत दोषी पाया था। उधर राष्ट्रीय लोकदल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। वह 82 साल के थे। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी अजीत सिंह के परिवार ने एक बयान में बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बताया, चौधरी अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने आखिर तक इस महामारी से मुकाबला किया और आज सुबह 6 मई 2021 को आखिरी सांस ली। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन काल में चौधरी साहब को आपका भरपूर प्यार और सम्मान मिला। आप सभी के साथ यह संबंध उनके लिए प्रिय थे और उन्होंने आपके कल्याण के बारे में हमेशा सोचा और कोशिश की। जयंत चौधरी ने कहा, हमारा देश भयावह महामारी से गुजर रहा है, इसलिए मेरा उन सभी से अनुरोध है जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने को इच्छुक हैं, कृपया अपने घरों में रहें। हम सभी सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें ताकि हम खुद और आसपास के सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। यह चौधरी साहब के प्रति बेहतरीन सम्मान होगा और साथ साथ कोरोना योद्धाओं के लिए भी, जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। परिवार की ओर से जारी बयान में जयंत चौधरी ने कहा, हम उन सभी परिवारों को सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस क्रूर बीमारी से प्रभावित हुए हैं। चौधरी अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी अजीत सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वह हमेशा
किसानों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। मोदी ने ट्वीट कर कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जुझारू किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।